Hello guys, welcome back to my channel. Today we are making a rose with clay, super clay, or we said bouncing clay. Both things are one. Bouncing or super clay ek hi cheez kehti hai. So like this we hum aise banayenge use. Maine pink color ka banaya hai. अब मैं रेड कलर का बनाऊं क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे पास दोनों कलर के हो. तो अभी जैसे ही मैंने पिंक कलर का बनाया वैसे ही मैं आपको रेड कलर का बना के दिखाऊंगी. सो नाउ लेट गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आई वांट टू टेल यू वन इम्पॉर्टेंट थिंग. मैं आपको बोलती थी कि ये मेरा ARS चैनल है, ARS क्राफ्ट चैनल, लेकिन मेरा स्कूल स्टार्ट हो गया अब, तो इसलिए मुझे अपने चैनल का नाम चेंज करना पड़ेगा. अब इसका नाम है आरशी जैन ओनली दिस. सो आई वेलकम टू माय आरशी जैन चैनल. प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल. सो नाउ वी आर मेकिंग अ फ्लावर. सो वी टॉक आफ्टर द वीडियो. नाउ लेट गेट स्टार्टेड. सो फॉर रोज वी हैव टू यूज दिस रेड क्ले. You can use any color of clay. I like red clay, so I use this clay. You can use other clays also. So, अब हम इसे बाहर निकालेंगे. आपको पता है guys, मेरा favorite color भी red है. So I think I have to make red rose. सो हमें रोज बनाने के लिए हमें रेड क्ले चाहिए. आप पर्पल, ब्लू, वाइट, येलो, स्किन कलर, कोई सा भी कलर ले सकते हैं. ब्राउन कलर भी ले सकते हैं क्योंकि ब्राउन कलर का रोज मैंने देखा है गार्डन में. सो वी हैव टू काज बहुत स्ट्रेची होती है. आई कैन सी यू. ये देखिए ये कितनी स्ट्रेची होती है. देखिए तो अब हम इसमें थोड़े थोड़े वो करेंगे, छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे हम जस्ट लाइक दिस. ऐसे करके हमें विद द हेल्प ऑफ आवर थंब वी हैव टू प्रेस दिस रोल. तो ये ऐसे हो जाएगा. हमें ऐसे थोड़े और बनाने हैं. सो Like this, we have to make more. So guys, I have made 5 like this. अब हमें इसे ऐसे roll करके लेके जाना है. हमारा रोज कहीं बन गया है. अब हम इसके नीचे स्टिक लगाएंगे. ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको लगाना तो लगाओ वरना मत लगाओ. तो स्टिक के लिए हमें चाहिए होगा एक ग्रीन पैकेट ऑफ बाउंसिंग क्ले एंड वन स्टिक. टूथपिक स्टिक इजीली सबके घर में मिल जाती है, इसलिए मैंने इसे ऑप्शनल है बिल्कुल. मेरा तो टिकता नहीं है स्ट्रिक, आपकी टिक जाए तो आप मत लगाना. तो अब हम इसके अंदर से निकालेंगे. गाइस मुझे लगता है कि बिना स्टिक के, टूथपिक स्टिक के ये स्टेम स्टैंड नहीं होगी, इसलिए मैंने टूथपिक की हेल्प ली है. ये बिल्कुल ऑप्शनल है आपको टूथपिक यूज करनी है या नहीं, इसलिए मैं यूज कर रही हूँ. अभी आप देखते चाहिए मैं क्या क्या करती हूँ, उसके हिसाब से आपको करना है. गाइस हमेशा पैकेट में से एक्स्ट्रा ही निकालना आप, क्योंकि फिर बाद में प्रॉब्लम होती है बहुत निकालने में, इसलिए मैं पहले ही निकाल लेती हूँ एक्स्ट्रा. और ये मेरी सारी यूज आती है हमेशा.
में से पतला करना है, ऐसे से रोल करते हैं ना, वैसे पतला करेंगे इसे हम। गाइस कमेंट में लिख के बताना कि आपकी जो स्टेम है वो बिना टूथपिक के खड़ी हुई या नहीं। मेरी तो होती ही नहीं, मैं तो आपको पहले बता रही हूँ। तो जितनी हमें स्टिक चाहिए उतनी ले लेंगे हम, क्योंकि अभी हम इसे और कर लेंगे लंबा। तो ये हमारी स्टेम है। अब हम टूथपिक को थोड़ा सा तोड़ देंगे। देखिए मैंने छोटी कर दी इसे, ये रहा इसका पीस, मैंने इसे हाफ कर दिया क्योंकि हमें ज्यादा लंबी चाहिए नहीं। अब हम इसे यू फोल्ड कर देंगे, है ना मस्त आइडिया गाइस। किसी को दिखेगा भी नहीं और लगेगा कि हमारी स्टेम खड़ी है। और अब हम इसे यू रोल कर देंगे। अगर आपकी स्टेम थोड़ी अजीब लग रही है शेप में, कहीं से पतली कहीं से मोटी, तो हम देखिए अभी बिल्कुल लगने लगी। हमने इसके अंदर स्टिक डाली थी, मैंने सेम टू सेम इसके अंदर भी स्टिक डाली थी जैसे स्टैम स्टैंड हो जाए। देखिए ये बिल्कुल अच्छा बना, ऐसा ही सेम टू सेम हम इसे भी बनाएंगे। सो गाइस अब हम इधर ये यू लगा देंगे थोड़ा ध्यान से। ये देखिए अब आपको उसके अंदर लीव्स लगानी है या नहीं, ये आपकी मर्जी है, ये भी आपकी मर्जी है। सो मुझे लगानी है इसलिए मैं लगा रही हूँ। ये थोड़ी ज्यादा बड़ी हो गई थी इस टाइम क्योंकि हमारा फ्लावर बहुत छोटा है, तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा तोड़ दिया। इसको गाइस हमें पूरी एक दिन रखा पता तब जाके बिल्कुल अच्छी बनती है। मैंने भी इसे पूरा एक दिन रखा था तब जाके ऐसा बना है। ये देखिए मैं इसे यूं करूँगी टूट जाएगी। ये देखिए मैं इसे कितना दबा रही हूँ, लेकिन ये वैसी की वैसी है क्योंकि सूख चुकी है। ये इतनी भी हार्ड नहीं होगी, सॉफ्ट रहेगी, लेकिन जैसे ही हम इसको मोड़ सकते हैं कैसे कर सकते हैं क्योंकि अभी ये गीली है, इसलिए ये प्लास्टिक पॉलीथिन में देते हैं हमें, जिससे लॉक वाली पॉलीथिन में, जिससे सूखे ना। ओके गाइस, गाइस आपको कैसी वीडियो लगी प्लीज कमेंट में बताना, और कोई प्रॉब्लम हुए ये बनाने में, कोई चीज समझ ना आए तो मुझे प्लीज कमेंट में बताना जिससे मैं आपको बता सकूं। ओके गाइस, गाइस आपको रोज अच्छा लगता है? मेरे को तो अच्छा लगता है, प्लीज कमेंट में बताना आपको अच्छा लगता है या नहीं। लीव्स इसके हिसाब से बनाएंगे हम। ये मुझे थोड़ी बड़ी लग रही है इसलिए मैं इसे छोटी कर देती हूँ थोड़ी, ठीक है। तो अब हम मैंने इसे छोटी कर दी है। अब हम ये मेरी टूथपिक बची थी इससे मैं इसकी लाइंस बना देती हूँ। तो मैंने इसकी ऐसे ये लाइंस बना दिए विद द हेल्प ऑफ अ टूथपिक जो हमने तोड़ी थी उसके ही यूज से मैंने बना दिया। और इसको हम यूं इधर लगा देंगे ऐसे। हमें एक लीफ रखना है एक भी रख सकते हैं, हमें दो रखनी है हम दो भी रख सकते हैं। तो मेरा मन था कि मैं एक ही रखूँ और इसमें दो, तो मैंने ऐसे किया। ये देखिए अच्छा लग रहा है आपको तो कमेंट में बताना। ये लाइट लग रहा है अभी आपको और ये डार्क लग रहा है,
जब ये सूख जाएगा तो ये भी डार्क हो जाएगा और ये इसके जैसा दिखेगा. सो गाइज प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल आशी जैन नॉट ए आर एस क्राफ्ट्स, बिकॉज मैंने आपको बताया मेरे स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं अब, तो इसलिए मुझे चेंज करना पड़ा अपना नाम. तो मेरे चैनल का नाम है ए आर एस क्राफ्ट्स, ओह सॉरी आशी जैन. ओके सो हैव अ नाइस डे. गुड बाय गाइज, हैव अ नाइस डे.